फ्रेंड्स, इस वैकेंसी के लिए आपको अपने मोबाइल के गूगल में जाना है और जाकर टाइप कर देना है ILBS। ILBS टाइप करोगे फ्रेंड्स तो आपके सामने साइट खुल जाएगी, इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंसेज की। इसी साइट पे जाकर आपको सारी वैकेंसी है वो मिलने वाली है। तो यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। मैंने जैसे यहाँ पे क्लिक किया है तो इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंसेज की साइट खुल गई है। कोने में आपको 3 डॉट्स दे रहे हैं, इन डॉट्स पे आपको क्लिक करना है और कहीं नहीं जाना है। डॉट्स पे क्लिक करते ही आपको कैरियर अपॉर्चुनिटी का ऑप्शन दे रहा है, कैरियर अपॉर्चुनिटी में आपको चले जाना है। नीचे ही नीचे जो कैरियर अपॉर्चुनिटी दिख रही है वाइट कलर में, उस पर आपको क्लिक कर देना है। मैंने कैरियर अपॉर्चुनिटी पे क्लिक कर दिया फ्रेंड्स। क्लिक करते ही यहाँ पे ये वैकेंसी ओपन हो गई है फ्रेंड्स। इसका PDF अभी अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये सारी चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ। ऊपर प्रोफेसर रेडियोलॉजी की पोस्ट है, अपने नर्सिंग की पोस्टों से मतलब है। तो अपने नीचे स्क्रॉल करते रहते हैं और आपकी जो पोस्ट है वो यहाँ पे 47 नंबर पे मिल जाती है एग्जीक्यूटिव नर्स की, और उसके बाद में 48 पे है जूनियर एग्जीक्यूटिव नर्स की। तो सबसे पहले बात अपने एग्जीक्यूटिव नर्स की पोस्ट की बात करते हैं। तो एग्जीक्यूटिव नर्स की जो पोस्ट है उसमें 8 पोस्ट अनरिजर्व की है, 41 पोस्ट है वो OBC की है और 1 पोस्ट है वो SC की है। तो टोटल है वो 50 पोस्ट हो जाती है। इसके बाद में अपने जो दूसरी सेकंड 48 पे है ये है जूनियर एग्जीक्यूटिव नर्स। जूनियर एग्जीक्यूटिव नर्स की बात करें तो इसमें 37 पोस्ट है वो अनरिजर्व की है, 18 पोस्ट OBC की है और 10 पोस्ट SC की, 5 पोस्ट ST की है। तो टोटल यहाँ पे 70 पोस्ट है वो जूनियर एग्जीक्यूटिव नर्स की हो जाती है। तो ये पोस्टों की बात होगी, पोस्ट नेम और पोस्ट की काउंटिंग क्या है, यहीं आपको ऑनलाइन अप्लीकेशन देने का भी ऑप्शन अवेलेबल मिलेगा। जैसे ही आप साइड में स्क्रॉल करते हैं फ्रेंड्स तो यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन दिया गया है। इस पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये फॉर्म खुल जाएगा। वेरी सिंपल फॉर्म है, इसको भर सकते हैं आप अपने मोबाइल से या फिर आप किसी भी कंप्यूटर के द्वारा भी भर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वैकेंसी के बारे में और रूल एंड रेगुलेशन क्या है, क्या क्वालिफिकेशन होगी, क्या एज होगी, वो भी बात कर लेते हैं। वापस कैरियर अपॉर्चुनिटी में चलते हैं और कैरियर अपॉर्चुनिटी में चल के रिक्रूटमेंट जो रूल्स है यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। ये रिक्रूटमेंट रूल पे मैंने क्लिक कर दिया है। ऊपर प्रोफेसर रेडियोलॉजी के रिक्रूटमेंट रूल्स आ रहे हैं, अपने को नर्सिंग के रिक्रूटमेंट रूल्स है वो देखने हैं। तो आप नीचे स्क्रॉल करते चले जाइए फ्रेंड्स, आपको ये सारी डिटेल मिलने वाली है। आपको इसका PDF अवेलेबल नहीं होगा फ्रेंड्स, इसीलिए ये सारी एक्सरसाइज है वो करनी पड़ेगी। तो इसी तरह की वैकेंसीज की सूचना मैं फ्रेंड्स आपके लिए देता रहता हूँ बार बार। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप इसको लाइक कर दिया करो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक बहुत कम करते हो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो ताकि आपके जो नोटिफिकेशन है वो टाइम पे मिलते रहे फ्रेंड्स। तो अपने नीचे चलते रहते हैं फ्रेंड्स, जैसे ही नर्सिंग एग्जीक्यूटिव और जूनियर नर्सिंग एग्जीक्यूटिव की पोस्ट आएगी मैं आपको सारी डिटेल है वो बताने वाला हूँ फ्रेंड्स। तो ये रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट आ गई है, नर्सिंग मैनेजर की जो पोस्ट थी वो भी आ गई है। नर्सिंग मैनेजर की जो पोस्ट है उसमें BSc नर्सिंग की कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, 12 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो ये बहुत ही ओल्ड नर्सिंग कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी होगी। अपने जो नर्सिंग एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है उसकी बात कर लेते हैं, साथ ही साथ जो जूनियर नर्सिंग एग्जीक्यूटिव है उसकी भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये आ गई है नर्सिंग एग्जीक्यूटिव, जिसमें 50 पोस्ट थी। ये GNM विद 4 ईयर एक्सपीरियंस के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और अपर एज लिमिट है ये फ्रेंड्स 30 ईयर, यहाँ पे अपर एज लिमिट दी गई है। इसके बाद में जो जूनियर एग्जीक्यूटिव नर्स है इसमें GNM विद 2 ईयर एक्सपीरियंस कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे भी 30 ईयर एज लिमिट दी गई है फ्रेंड्स। तो ये वैकेंसी होगी इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंसेज की। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दें और सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें। इस वैकेंसी के बारे में कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, मैं आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स।